मित्रों, यह है 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर। यह वो योद्धा हैं जिनके आगे देवता भी नतमस्तक होते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत से हुए, लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सोच में पड़ गए थे। इन धनुर्धरों के पास थे एक से बढ़कर एक अस्त्र। सभी के सभी ही बड़े तेजस्वी और पराक्रमी थे, लेकिन इन धनुर्धरों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन था? कर्ण सर्वश्रेष्ठ या फिर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे, या एकलव्य और राम सर्वश्रेष्ठ थे? आप सोचते रहेंगे, पर अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल होगा कि कौन थे पौराणिक काल के सबसे अधिक शक्तिशाली धनुर्धर। उनके जैसे धनुर्धर आज तक ना हुए हैं और ना शायद कभी होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास से जुड़ी नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पौराणिक काल के कौन थे सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली धनुर्धर। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पिता आर्षि भरद्वाज और भगवान परशुराम से धनुर्विद्या प्राप्त की थी। जब महेंद्रगिरि पर्वत पर भगवान परशुराम ब्राह्मणों में अपना सब कुछ दान कर रहे थे, तब गुरु द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को अस्त्र युद्ध की शिक्षा दी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत के 15 दिन तक पांडवों की सेना पर कहर ढा दिया था। उन्होंने ही राजा विराट, पांचाल, नरेश, द्रुपद, सत्यजीत, संकल जैसे 25 महारथियों को युद्ध में मारा था। युद्ध के दौरान जो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर वीर अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। जब तक उनके हाथों में अस्त्र थे, उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। इसीलिए पांडव उनको छल से मारने के लिए विवश हो गए थे। पितामह भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, यह एक अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उस समय हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे और शत्रुओं की सेना पर अकेले ही भारी पड़ते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। रोज अकेले ही ना जाने कितने सैनिकों को युद्ध में मार दिया करते थे। पितामह भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन पितामह भीष्म ने अपने पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रतिज्ञा तोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि पितामह भीष्म को नियम अनुसार युद्ध में परास्त करना असंभव होगा। इसीलिए शिखंडनी को सामने रखकर अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया था। अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य की नजरों में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन की प्रतिज्ञा की टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्य अस्त्र थे और मित्रों, यहाँ तक कि अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करके पशुपता अस्त्र भी उनसे प्राप्त कर लिया था। कहते हैं कि अर्जुन अपने दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर जहाँ सभी योद्धा विफल हो गए थे, वहीं अर्जुन ने बड़ी ही आसानी से लक्ष्य को भेदा था। एकलव्य महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उन्हें अपना गुरु मानकर वन में ही धनुर्विद्या सीखना आरंभ कर दिया था। जब कौरव और पांडवों में से किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी डर लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। लेकिन दोस्तों, फिर गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य से धनुष बाण न चलाने का वचन लिया।
इसके बाद एकलव्य आगे धनुधर विद्या नहीं सीख पाए। बर्बरीक। दोस्तों, भीम पौत्र घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक के समक्ष जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा मात्र नमूना दिखाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है इसके पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, तब बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर वृक्ष के एक एक पत्ते को भेद रहा था, तब उस दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते को अपने पांव तले दबा लिया और यह सोचा कि यह पत्ता छेद होने से बच जाएगा, लेकिन तीर सभी पत्तों को छेद कर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता छिपा है, कृपा आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ पत्तों को छेदने का आदेश दिया है, आपके पैर को छेदने का नहीं। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे, उनके पास तीन ऐसे बाण थे जिनके बल पर वह पूरे महाभारत को तीन पलों में ही समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक के उन तीनों बाणों के बारे में जानकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया था। उसके बाद से ही धरती पर घाटू श्याम के नाम से बर्बरीक की पूजा होती है। कर्ण। सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास दिव्य कुंडल और कवच थे, जिनको किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसीलिए देवराज इंद्र ने युद्ध के पहले ही छल से कर्ण का कुंडल और कवच उनसे छीन लिए थे, लेकिन कुंडल और कवच के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी थी। कर्ण ने अर्जुन पर कई ऐसे अस्त्र चलाए थे जिनसे अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा ना करते तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। जब तक कर्ण के हाथों में उनका विजय धनुष था, तब तक उन्हें किसी भी तरह से परास्त नहीं किया जा सकता था। इसीलिए जब कर्ण निशस्त्र थे, तब अर्जुन को कर्ण का वध करना पड़ा था। मेघनाथ। रावण का पुत्र मेघनाथ। मेघनाथ वीर था, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश से तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त कर इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते ही उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पशुपता अस्त्र, यह तीनों अस्त्र थे। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर इन तीनों बाणों का प्रयोग किया था, लेकिन एक समय युद्ध के दौरान उसने अपना नांग फांस चला दिया था, जिससे श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध लिया था। उसने उसी युद्ध में लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। रामायण काल में मेघनाथ ही एकमात्र योद्धा है जिसे अति महारथी कहा गया है। लक्ष्मण जी। शेष नांग के अवतार लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में कई राक्षसों को मार गिराया था। 14 वर्षों तक वन में श्री राम के साथ में मारीच, सुबाहु, तारका जैसे कई बड़े बड़े असुरों पर अपने तीखे बाण चलाकर अपना पराक्रम दिखाया था। उनके बाण रेखा में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सका था। शास्त्रों के अनुसार वह एक महाश्रेष्ठ धनुधर थे। रावण के महापराक्रमी पुत्र को न कि परास्त किया बल्कि उसका वध भी किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान रावण को भी एक बार लक्ष्मण जी ने मूर्छित कर दिया था। श्री राम जी। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शक्ति का तो कोई अंत ही नहीं है। स्वयंवर में जब शिव धनुष पर वह प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे तो उनकी शक्ति से वह टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था। श्री राम ने अपनी मात्र 16 वर्ष की आयु में ही मारीच और सुबाहु जैसे असुरों का वध कर दिया था, साथ ही सहस्त्रों राक्षसों को भी अपने बाणों से मार गिराया था। जब समुद्र ने लंका जाते समय श्री राम को मार्ग नहीं दिया, तब उन्होंने उसे अपने बाणों से ही सुखाने का निर्णय ले लिया। श्री राम को धनुष पर बाण चढ़ाते देख समुद्र देव भी भयभीत होकर उनके सामने उपस्थित हो गए थे। श्री राम ने अपने बाणों से ही शक्तिशाली कुंभकर्ण को भी मार गिराया था।
रामायण के अंत में त्रिलोक विजेता रावण के 10 सर काट कर उनकी नाभि में तीर मारकर उनका वध कर दिया था। दोस्तों, अब हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं वह कोई और नहीं अत्यंत शक्तिशाली अपराजय देवों के देव महादेव हैं। महादेव से संपूर्ण धर्म, योग और धनुर्विद्या जैसी विद्या की शुरुआत भगवान शिव से ही होती है और उनका अंत भी उन्हीं पर होता है। सबसे पहले भगवान शंकर ने ही कार्तिकेय को धनुष विद्या का ज्ञान दिया था। उसी के आधार पर कार्तिकेय को देवताओं को सेनापति बनाया गया था और उन्होंने भी कई असुरों को मार गिराया था। भगवान शंकर ने एक ही तीर से त्रिपुरा को मारा था। त्रिपुरासुर यानी कि 3 महाशक्तिशाली असुर जिनको ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त था। शिव जी के धनुष की टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि जैसे प्रलय आ गई हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से ही त्रिपुरा के 3 अभेद्य नगरों को नष्ट कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक धनुष था। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्विद्या की उत्पत्ति महादेव से ही हुई है। सभी बड़े बड़े महारथी परशुराम जी, विश्वामित्र, भगवान श्री राम और अर्जुन सभी ने भगवान शिव की आराधना कर उन्हीं से ही दिव्य अस्त्रों को पाया है। सभी के जनक वही हैं, वही इस सृष्टि की शुरुआत हैं और वही इस सृष्टि का अंत हैं। उनकी शक्ति अनंत है। वह पल भर में ही अपने मात्र एक बाण से ही पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, किसी का भी विनाश कर सकते हैं। इसीलिए वही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा हमारा मानना है। आपके अनुसार कौन है सर्वश्रेष्ठ?